Hey, what's up everyone? कैसे हैं आप सब? क्या आप भी परेशान हो गए iPhone में 6 डिजिट वाले पासकोड को इनपुट करते करते और उसे चेंज करना चाहते हैं 4 डिजिट वाले में? तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। जब भी हम नया iPhone परचेज करते हैं तो जल्दबाजी में उसे यूज करने के लिए हम 6 डिजिट का पासकोड चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक स्टेप हमें जाकर यहाँ पे 4 डिजिट का पासकोड सेट करना पड़ता है। या फिर बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम iPhone यूज कर रहे हैं या फिर परचेज किया जिन्होंने, उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे हम 4 डिजिट का पासकोड यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये जो वीडियो है, मैं आपको इसमें यही बताने वाला हूं कि आप अपने 6 डिजिट वाले पासवर्ड को कैसे चेंज करके 4 डिजिट में चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी को पासवर्ड बता दिया अपना और आप चाहते हैं उसे चेंज करना, आपका जो पासवर्ड है वो पुराना हो गया है, तो वो भी आप इस वीडियो की मदद से आसानी से अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आईफोन में पासवर्ड को चेंज करने के लिए हम सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, जब तक कि आप फेस आईडी एंड पासवर्ड न देख पाए। वैसे अगर आपके पास टच आईडी वाला फोन है तो यहाँ पे टच आईडी एंड पासवर्ड होगा फेस आईडी की जगह पे, तो आपको टैप कर लेना है उसी पे और उसके बाद फिर आपका जो पासकोड है वो यहाँ पे इनपुट कर देना है, जिस पासकोड से अभी आप अपना आईफोन ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब अनलॉक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इनपुट कर दे रहा हूँ और इनपुट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस दिखेंगे, आपको स्क्रॉल करना है नीचे जब तक कि आपको चेंज पासकोड वाला ऑप्शन न दिखे। चेंज पासकोड के साथ ही आपको टर्न पासकोड ऑफ का भी एक ऑप्शन दिखेगा। वो इसलिए है कि अगर आप अपने आईफोन में कोई भी लॉक नहीं रखना चाहते हैं, पासकोड ऑफ रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसे टैप करके इनेबल कर सकते हैं, मतलब अपने आईफोन की पासकोड को डिसेबल कर सकते हैं। वैसे हमें पासकोड को चेंज करना है तो हम करेंगे चेंज पासकोड पे टैप और फिर हम यहाँ ओल्ड पासकोड डालने के लिए पूछा जाएगा हमें, तो हमें यहाँ पे इनपुट करना है। ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये वेरीफाई करना चाहता है कि ये जो फोन है वो एडमिन ही इसका पासवर्ड चेंज कर रहा है, मतलब जिसे पासवर्ड पता है वही चेंज कर रहा है। ऐसे होता बहुत बार है कि कोई फोन ले आपका और पासवर्ड चेंज कर दे आपको परेशान करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे है इंटर न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिर से वही 6 डिजिट वाला पासवर्ड हमें शो हो रहा है नया बनाने के लिए, तो आपको तो 4 डिजिट वाला करना है, तो उसके लिए आपको पासवर्ड ऑप्शंस पे टैप करना है। अब जब आप टैप करेंगे तो आपको तीन ऑप्शंस दिखेगा, कस्टम अल्फा न्यूमेरिक कोड, कस्टम न्यूमेरिक कोड और 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड। तो अगर आप अल्फा न्यूमेरिक रखना चाहते हैं तो वो चीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर सिर्फ आपको 4 डिजिट वाला चाहिए तो लास्ट वाला ऑप्शन टैप कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे जो 6 फील्ड आ रहा था वो यहाँ पे 4 फील्ड ही अभी हमें शो हो रहा है। तो ऐसे में अपना पासवर्ड यहाँ पे इनपुट करिए जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ ये पासवर्ड। ये पासवर्ड को इनपुट करने के बाद मुझे ये इसलिए मैसेज मिला क्योंकि ये इजिली गेस्ट हो सकता है, कोई भी गेस कर सकता है इसके लिए, फिर भी मैं यूज एनीवे करता हूँ फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ पे इनपुट कर दीजिए, फिर से वेरीफाई करिए और वेरीफाई करने के बाद थोड़ा देर इंतजार करिए जब तक कि आपके आईफोन की पासवर्ड कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाए। तो हमारा जो पासवर्ड है आईफोन का वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। चलिए मैं आपको लॉक करके फिर से अनलॉक करके दिखाता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे अनलॉक करूंगा तो अनलॉक करने के लिए जो मुझे पहले 6 डिजिट का पासवर्ड शो हो रहा था वो यहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट का ही पासवर्ड शो हो रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन की पासवर्ड को 6 डिजिट से 4 डिजिट में चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पुराने पासवर्ड को चेंज करके नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और साथ ही अपने आईफोन को अपने दोस्तों की पहुंच से दूर रख सकते हैं। वैसे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत करके ये वीडियो मैंने बनाई है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।